हेलो स्टूडेंट्स, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में टू एमसीक्यूज बताऊंगा लीनियर अलजेब्रा पर। सबसे पहला फर्स्ट एमसीक्यू ये है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि कंसीडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर टू द पावर फोर टू आर टू द पावर फोर गिवन बाय। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि एक्स वाई जेड यू, इसका जो इमेज है टी का, टी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इसका जो इमेज आ रहा है वो इसके बराबर है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो कॉमा जीरो। तो रैंक और न्यूलिटी से रिलेटेड यहाँ पर एक रिलेशन हम लोग को देखना है कि क्या रैंक होगा क्या न्यूलिटी होगा ये पता करना है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के पहले हम लोग थोड़ा सा रैंक और न्यूलिटी के बारे में जानते हैं। ऐसे मैं पिछले वीडियो में भी रैंक और न्यूलिटी के बारे में मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। जरा देखिए, मान लेते हैं एक वेक्टर स्पेस U है और एक वेक्टर स्पेस V है। इस वेक्टर स्पेस से इस वेक्टर स्पेस में कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T डिफाइंड होगा। रिंग न्यूलिटी समझाने के लिए मैं यहाँ पर चार एलिमेंट इसमें मानता हूँ। मान लेते हैं कि जीरो एक वेक्टर है, जीरो तो वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट होता ही है। मान लेते हैं अल्फा है, बीटा है, गामा है, फोर ही एलिमेंट है सपोज कर लेते हैं यू में। और भी में जीरो है, एक भी वन एक एलिमेंट है वेक्टर है, भी टू है और एक भी थ्री है। सपोज करते हैं इस टी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इसका इमेज जी आ रहा है, इसका भी इमेज जीरो है, इसका भी इमेज जीरो है और इसका इमेज भी वन है। तो सबसे पहला रेंज देखते हैं, रेंज ऑफ टी। रेंज ऑफ टी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, आर ऑफ टी। ये क्या होता है, इसके प्रत्येक एलिमेंट का जो इमेज यहाँ पर मिलेगा वो इस इमेज के सेट को हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ टी। इसका प्रत्येक एलिमेंट यू में जितना भी एलिमेंट होगा सभी एलिमेंट का इमेज ले लीजिए, तो इमेज तो सिर्फ जीरो और भी वन आ रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे रेंज ऑफ टी। मतलब ये जो सेट आया इसी को हम लोग कहेंगे रेंज ऑफ टी। अब एक नल स्पेस होता है, नल स्पेस किसको कहते हैं, नल स्पेस यू के वैसे एलिमेंट का कलेक्शन को कहते हैं जिसका इमेज जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर के साथ कौन कौन सा एसोसिएट हुआ, ये हुआ है, तो इसी को हम लोग नल स्पेस कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं एन ऑफ टी से। मतलब जो जो एलिमेंट यहाँ पर जितना भी एलिमेंट है वो जीरो के साथ जो जो एसोसिएट होगा उस सारे के कलेक्शन को नल स्पेस कहते हैं। तो नल स्पेस क्या हो गया, नल स्पेस ऑफ टी जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एन ऑफ टी से, और इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, इस एग्जांपल में जीरो आ रहा है, अल्फा आ रहा है और बीटा आ रहा है। अब देखिए ये जो नल स्पेस होता है वो यू का सब स्पेस होता है, यू का एक सब स्पेस होता है। रेंज ऑफ टी जो होता है वो भी का सब स्पेस होता है, और इसका जो डायमेंशन होगा, जब सब स्पेस है तो मतलब वेक्टर स्पेस हो गया, वेक्टर स्पेस हो गया तो डायमेंशन भी होगा, तो इसका जो डायमेंशन होगा उसको हम लोग कहते हैं न्यूलिटी। न्यूलिटी को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, न्यूलिटी ऑफ टी क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एन ऑफ टी, नल स्पेस का डायमेंशन। और रेंज जो है वो भी सब स्पेस होता है भी का, इसका जो डायमेंशन होगा उसको टी का रैंक कहते हैं और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये रैंक ऑफ टी हो गया, रैंक ऑफ टी। और ये क्या होता है, डायमेंशन होता है, किसका डायमेंशन होता है, रेंज ऑफ टी का। रेंज ऑफ टी का जो डायमेंशन होता है उसी को हम लोग रिंक ऑफ टी कहते हैं। और ये दोनों के बीच एक रिलेशन है, रिलेशन है कि रिंक ऑफ टी और न्यूलिटी ऑफ टी दोनों का अगर हम लोग सम करें तो ये होता है डायमेंशन ऑफ यू, यू के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। करना क्या है, रिंक ऑफ टी और न्यूलिटी ऑफ टी दोनों का सम करेंगे तो इस यू का डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग ये देखते हैं कि जो मैं क्वेश्चन लिखा हूँ उस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन है आर टू द पावर फोर से आर टू द पावर फोर में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस तरीके से डिफाइंड किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा यू इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो कॉमा जीरो, ये डेफिनेशन है। यहाँ पर आर टू द पावर फोर ये फोर्थ टपल्स का एक वेक्टर स्पेस है, फोर टपल्स का, यहाँ पर भी फोर टपल्स का वेक्टर स्पेस है, आर टू द पावर फोर से आर टू द पावर फोर में एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड किया गया है। यहाँ पर अगर कोई भी एलिमेंट एक्स वाई जेड यू लेते हैं तो उसका इमेज यहाँ पर आएगा जिसको टी ऑफ एक्स वाई जेड यू कहेंगे, और इमेज के कलेक्शन को ही हम लोग कहते हैं रेंज। यहाँ पर इस तरीके से जितना भी एलिमेंट आएगा उसका जो इमेज आएगा उसी को हम लोग कहते हैं रेंज। तो रेंज जो होता है, रेंज ऑफ टी, वो कैसे निकालते हैं हम लोग,
यहाँ पर रेंज ऑफ टी निकालने के लिए टी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा यू, जहाँ एक्स वाई जेड यू जो है वो किसका मेंबर होगा, आर टू द पावर फोर का। अब हम लोग अगर इसका रैंक निकालना चाहें तो इसी का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, तो इसका डायमेंशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है इमेज, वो इमेज कौन सा एलिमेंट आएगा, यही आएगा ना। तो देखिए जो इमेज आ रहा है उस इमेज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इमेज तो है एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो कॉमा जीरो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स इंटू वन कॉमा जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो प्लस वाई इंटू जीरो कॉमा वन कॉमा जीरो कॉमा जीरो। ये एक्स आप मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ, वाई इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का सम कीजिए, देखिए यही आ जाएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग अल्फ़ा, ये चीज़ को हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं और ये इसको डिनोट कर रहे हैं बीटा से। अल्फ़ा क्या है बीटा क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो इसका जो इमेज आएगा, इमेज को तो हम लोग अल्फ़ा और बीटा के लीनियर कम्बिनेशन में लिख रहे हैं, मतलब इमेज को अल्फ़ा और बीटा जनरेट कर देगा। और ये अल्फ़ा बीटा जो है वो निश्चित रूप से लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर इस तरीके का जो एलिमेंट होता है ये है या जीरो वन जीरो जीरो या जीरो 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 वन या फिर एक और जीरो जीरो, एक यहाँ पर बीच में वन रखिए यहाँ जीरो रखते हैं, या जीरो जीरो फिर जीरो और फिर वन, तो ये जो है वो चारों लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। चार में से अगर दो भी ले लेते हैं तो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तीन ले लेते हैं तो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो आप ये याद रख सकते हैं, या फिर हम लोग देख सकते हैं कि ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू जीरो मान लेते हैं, चेक करते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आपको याद रखना है। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू जीरो मान लेते हैं, अगर ए और बी दोनों जीरो आ जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ए अल्फा की जगह वन जीरो 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 प्लस बी बीटा के जगह जीरो वन जीरो जीरो, और जीरो वेक्टर मतलब यहाँ पर फोर टपल्स लेना है। अब इसको मल्टीप्लाई करके और ऐड करके लिखेंगे तो ए बी जीरो जीरो आएगा, और यहाँ पर जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो दोनों इक्वल है, तो यहाँ से फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा, सेकेंड कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा, तो ए बी जीरो आ गया। तो अगर ए अल्फा प्लस बी बीटा जीरो मानते हैं तो ए भी जीरो आ गया, इसका मतलब ये अल्फा बीटा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर एक सेट बनाते हैं जिसको बी कह रहे हैं, क्या सेट बनाते हैं, अल्फा बीटा का, अल्फा बीटा मतलब अल्फा की जगह ये और बीटा की जगह ये। अब देखिए ये अल्फा बीटा लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये इसको जनरेट भी कर रहा है, किसको जनरेट कर रहा है, रेंज को जनरेट कर रहा है, क्योंकि रेंज का कोई भी एलिमेंट लेते हैं, रेंज का कोई भी एलिमेंट अगर लिया जाए तो वो अल्फा बीटा के लीनियर कम्बिनेशन में आ जाता है और अल्फा बीटा लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो ये जो बी एक सेट बनाए अल्फा बीटा का वो बेसिज हो जाएगा, इस रेंज का बेसिज हो जाएगा, इस सब स्पेस का ये बेसिज हो जाएगा। क्यों बेसिज हो जाएगा, बेसिज के लिए बेसिज में वैसा एलिमेंट का कलेक्शन होता है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और साथ में वो उसको जनरेट कर देता है, तो ये जनरेट भी कर रहा है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये बेसिज हो गया इसका। और बेसिस का जो डायमेंशन होता है वही इसका रेंज रैंक कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक ऑफ टी कैसे निकालते हैं, रैंक ऑफ टी निकालते हैं डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी, बेसिस का डायमेंशन नहीं, बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है, बेसिस में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो इसका डायमेंशन कहलाता है। तो रैंक निकालने के लिए डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी होता है रेंज का डायमेंशन, और रेंज का बेसिज ये है और बेसिज में दो एलिमेंट है तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, टू। तो रैंक ऑफ टी पता चल गया, अब जरा समझिए, रैंक पता चल गया है, इस ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक आया है टू, न्यूलिटी क्या होगा वो निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं रैंक ऑफ टी प्लस न्यूलिटी ऑफ टी दोनों का सम किसके बराबर होता है, डायमेंशन ऑफ यू, यू की जगह यहां पर आर टू द पावर फोर है। रैंक ऑफ टी हम लोग को पता चल चुका है टू, और न्यूलिटी ऑफ टी नहीं पता है, और डायमेंशन आर टू द पावर फोर का फोर होता है, फोर टपल से फोर आएगा, तो न्यूलिटी ऑफ टी कितना हो गया, टू उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे टू आएगा, तो न्यूलिटी भी टू आ गया और रैंक भी टू आ गया। इसका मतलब इसमें से ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा, रैंक ऑफ टी इक्वल टू न्यूलिटी ऑफ टी इक्वल टू टू, ये ऑप्शन सही होगा, रैंक भी टू है और न्यूलिटी भी टू है। तो इस तरीके से
रिंग और न्यूलिटी से रिलेटेड सवाल बना सकते हैं। पिछले वीडियो में मैं कुछ सवाल बताया हूँ रिंग और न्यूलिटी से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आर क्यू से आर क्यू में बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय, इस तरीके से डिफाइंड है, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू एक्स बाई टू कॉमा वाई बाई टू कॉमा जीरो, व्हाट इज द रैंक ऑफ टी। रैंक ऑफ टी निकालना है। देखिए जो इमेज आएगा, इमेज के सेट को हम लोग कहते हैं रेंज। तो इमेज को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये है एक्स बाई टू, यहाँ पर एक्स बाई टू कॉमा वाई बाई टू कॉमा जीरो, और इस x बाय टू को, अब ये वेक्टर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x इंटू वन बाय टू कॉमा जीरो कॉमा जीरो प्लस y इंटू जीरो कॉमा वन बाय टू कॉमा जीरो। देखिए x यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक में, y भी प्रत्येक में मल्टीप्लाई होगा, दोनों ऐड हो जाएगा तो यही आ जाएगा, आप चेक करके देख सकते हैं। तो किसी भी एलिमेंट को, इमेज का जो एलिमेंट है ये इमेज में आ जाएगा, तो इमेज के एलिमेंट को हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये x और इसको मान लेते हैं अल्फा वेक्टर, और ये y और ये मान लेते हैं बीटा वेक्टर। अल्फा जो है वो इसको मान रहे हैं और बीटा हम लोग इसको मान रहे हैं। तो प्रत्येक एलिमेंट को जो रेंज में जो एलिमेंट आएगा, उस प्रत्येक एलिमेंट को अल्फा बीटा के लीनियर कम्बिनेशन में हम लोग लिखते हैं, और ये जो अल्फा बीटा है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अभी हम लोग जैसे चेक किए थे ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू जीरो वेक्टर मान करके आप चेक कर सकते हैं, अल्फा के जगह वन बाय टू जीरो जीरो प्लस बी इंटू जीरो वन बाय टू जीरो, और जीरो वेक्टर मतलब थ्री टपल्स का यहाँ पर होगा, आर क्यू से आर क्यू में डिफाइंड है। तो यहाँ पर ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ए बाय टू बी बाय टू और जीरो आएगा यहाँ पर जीरो जीरो जीरो। देखिए ये फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर, तो यहाँ से ए इक्वल टू जीरो आ जाएगा, सेकेंड कंपोनेंट के बराबर तो बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू जीरो वेक्टर मानते हैं तो ए बी जो है वो जीरो आ रहा है, इसका मतलब अल्फा बीटा लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया। तो जरा ध्यान दीजिए, अल्फा बीटा का एक सेट बना देते हैं, क्या यही एक बेसिस बन जाएगा? कैसे बेसिस बन जाएगा? क्योंकि ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और इमेज में जितना भी एलिमेंट है प्रत्येक एलिमेंट को अल्फा बीटा से जनरेट भी कर रहे हैं, इसी सेट के एलिमेंट से जनरेट कर रहे हैं। तो बी जो है वो बेसिस हो गया, और जब बी बेसिस हो गया तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वही रेंज का डायमेंशन हो जाएगा। तो रैंक ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी, रेंज ऑफ टी, और रेंज ऑफ टी का बेसिस ये है, इसका डायमेंशन रेंज ऑफ टी का डायमेंशन हो जाएगा टू। तो रैंक ऑफ टी कितना हो गया टू, यानी कि ये जो ऑप्शन है वो ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से रेंज और न्यूलिटी से रिलेटेड सवाल को आप बना सकते हैं, आप बनाइए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में बस यहीं तक। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।